राम, राम किन ध्वनियों को मिलकर बना है आइए देखें। र जमा आ जमा म जमा अ, ये वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। इसको इस तरह से भी कहेंगे, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है आइए जानें। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। स्वरों की संख्या 11 है। ये हैं अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। अब व्यंजन के बारे में जानें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद ये तीन हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में जानें। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ण होते हैं, मतलब 5 भेद हैं, जैसे इनके क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती। ये हैं य, र, ल तथा व। ये अंतस्थ व्यंजन है। नंबर 3 है उष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय एक प्रकार की उष्मा उत्पन्न होती है। ये हैं श, श, स तथा ह। ये उष्म व्यंजन है। वर्णों का विच्छेद। इसका अर्थ किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को अलग अलग कर लिखना होता है। जैसे एक शब्द देखें, कमल। कमल को कैसे लिखेंगे? क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। इसी तरह आगे देखें अश्व। अश्व को कैसे लिखेंगे? अ जमा श जमा व जमा अ। इसमें ध्यान से देखिए, श जो वर्ण है वो आधा है, इसलिए उसके साथ अ नहीं जुड़ा। तीसरे में देखेंगे गणेश। ग जमा अ जमा ण जमा ए जमा श जमा अ। इसमें अण को ए की मात्रा लगी है, इसलिए अण के बाद ए आया है। आगे देखिए कोयल। क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। इसमें क को ओ की मात्रा लगी है, इसलिए ओ स्वर आया है। आभूषण। आभूषण में देखिए आ जमा भ जमा उ जमा श जमा अ जमा ण जमा अ। इस तरह से वर्णों का विच्छेद करते हैं। आगे जाने र के विभिन्न रूप। र के साथ उ या उ की मात्रा किस तरह से प्रयोग करते हैं आइए देखें। उदाहरण के तौर पे र के साथ उ की मात्रा लगने पर रू बनता है। कैसे बनता है? जैसे र जमा उ गुरु, रुपया। इसमें देखिए गुरु शब्द में देखिए र में कहां पर उ की मात्रा लगी है? र के मध्य में। उसमें छोटा उ है तो अंदर की तरफ घुमाव दिया हुआ है। आगे दूसरे उसमें जानेंगे र के साथ बड़े उ की मात्रा लगने पर रू बनता है। जैसे र जमा बड़ा उ, इसमें देखेंगे शुरू, रूप। इनमें र में बड़े उ की मात्रा मध्य में बाहर की तरफ लगी है। दूसरे तरह से हम देखेंगे रेफ लगने की स्थिति।
कैसे होता है? र जब हलंत अर्थात स्वर रहित होता है तो र रेफ बनकर अलग व्यंजन के सिर पर लगता है। यहाँ उदाहरण में देखिए, निर्मल, नी जमा मल, इसमें र हलंत है इसलिए वो वर्ण के पहले वर्ण के सिर के ऊपर लगा है। ऐसे ही दूसरे में देखें, निर्भय, उसमें भी निर जमा है, भ के ऊपर र लगा है। नंबर तीन में देखें, जब र से पहला व्यंजन हलंत युक्त होता है तो र से पहला वर्ण पूरा लिखा जाता है और र का रूप विकृत हो जाता है। आइए उदाहरण में देखें, जैसे पाई वाले व्यंजनों के बाद र पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयोग होता है। जैसे शब्द देखेंगे, क्रोध, क्रिया, इनमें देखिए र कहां लगा है? क के नीचे तिरछा होकर। बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद र व्यंजन के नीचे इस रूप में प्रयोग होता है। आइए देखें, जैसे शब्द है ट्रक, ट्रस्ट, इनमें र कहां लगा है? ट के नीचे, देखिए उल्टा वी की तरह। नंबर चार में देखते हैं, त और श के बाद र का लेखन किस तरह से बदल जाता है। त के बाद र आने पर त्र संयुक्ताक्षर बनता है। त और र जोड़कर देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे त्रिशूल, त्रिभुज। श के बाद र का लेखन जब आता है तो वो श्र बन जाता है, जैसे श्रम, श्रोता। तो बच्चों, आज हमने वर्ण और र के विभिन्न रूपों के बारे में जाना।